जैसा कि गाइज मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि हम होममेड ट्रांसमीटर रिसीवर से एक ड्रोन बनाएंगे, तो गाइज मैंने आपको जैसा बोला था मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ। गाइज मैंने चार एल्युमिनियम की आर्म्स कट कर दी है और उनके ऊपर एक एक करके मैंने चारों ही आर्म के ऊपर मोटर के हिसाब से होल कर दिया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है और गाइज इसके मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन गाइज ये ड्रोन हमारा सक्सेस नहीं हो पाया है तो भी मैं इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गाइज ये जो आप देख पा रहे हो ये मैं एल्युमिनियम की आर्म को नटबोल की हेल्प से फिक्स कर रहा हूँ। ऐसा करने के बाद मैंने एक एक आर्म चारों ही पे लगा दिए और गाइज मैंने ये दिखाने का मोटो ये है कि मैंने जो गलती की है वो आप ना करें। ऐसा करने के बाद गाइज ये कुछ ऐसा दिखा है। अब मैंने 1400 KV की चार VLDC मोटर ले ली है और एक एक करके चारों ही आर्म पे ऊपर इनको फिक्स कर दिया है। ऐसा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा था। ऐसा करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या किया है कि चार ESC को फिक्स कर दिया है। मैंने सिमोक की चार ESC ली है ऐसा करने के बाद 30 एम्पेयर की और चारों को मैंने फिक्स कर दिया और उनके अंदर एक कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। करने के बाद ड्रोन के अंदर एक फ्लाइट कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है जो कि मैंने आर्डिनो नैनो और MPU 650 की हेल्प से बनाया है और इसके अंदर हम बाद में प्रोग्राम कर देंगे। करने के बाद गाइज इसको भी मैंने सोल्डर कर दिया है। ऐसा करने के बाद ये सारी सोल्डरिंग कंप्लीट होती है। अब हमारा रिसीवर और फ्लाइट कंट्रोलर बिल्कुल रेडी है। ये जो फ्लाइट रिसीवर देख पा रहे हैं ये हमने खुद ने बनाया है ट्रांसमीटर रिसीवर। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये सक्सेसफुल हो पाया है। ऐसा करने के बाद गाइज ये कुछ ऐसा दिखने लगा था। अब मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक शीट ली है और उसके ऊपर कस दूंगा सेम जैसे नीचे वाली थी सेम मेजरमेंट की और उसके ऊपर अच्छे से नट बोल्ट कस दूंगा। ये कुछ को गाइज सिनेमेटिक शॉट है। अब इसके करने के बाद मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर ये जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर था इसको डबल साइड टेप की हेल्प से फिक्स कर दिया और हमने चारों आर्म के कनेक्शन भी कर दिए और जो रिसीवर से भी कनेक्शन कर दिया। करने के बाद गाइज मैंने क्या किया है कि एक लिपो बैटरी ली है और उसके अंदर लगा दिए। इतना करने के बाद हमारा गाइज ड्रोन काम भी करने लगा था, आम भी हो गया था, सब कुछ काम करने लगा था। अब गाइज केवल देर थी तो उसको केवल उड़ाने की। तो मैंने उसी दिन तो नहीं लेकिन मैं दूसरे दिन इसको लेके ग्राउंड गया था जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और मैंने ऐसे करने के बाद चार प्रोपेलर जो थे वो हमने हमारी मोटर के ऊपर फिक्स कर दिए थे। फिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मैंने इसको नटबोल से ट्राइट से टाइट कर दिया था। करने के बाद गाइज हमारा कुछ ड्रोन ऐसा दिखने लगा था। इस ड्रोन से हमें बहुत उम्मीदें थी लेकिन गाइज ये हमारा ड्रोन फर्स्ट फ्लाइट के अंदर ही क्रैश हो गया था। होने के बाद इसके अंदर दो आर्म टूट भी चुकी थी तो भी मैंने इसको वापस रिपेयर करके चलाया लेकिन गाइज ये सही से उड़ नहीं पाया। और गाइज मेरा काम अभी भी चालू है, मैं नई नई चीज़ें मंगा रहा हूँ और अभी भी काम चल रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।